मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। हमारी परंपरा है कि एक बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं, बाप दो कभी नहीं होते। भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने लालन पालन किया। भगवान राम ने जिंदगी भर अपनी तीन माताओं को माना, एक तो जन्म देने वाली कौशल्या माता, बाकी केकई और सुमित्रा को भी मां के समान ही माना। इस देश में जितनी आप पुरानी बातें उठाएं, हर जगह दो माताएं तीन माताएं मिल जाएं, बाप किसी के दो नहीं, क्योंकि दो बाप हमारे यहां अच्छे नहीं माने जाते। माताएं हो सकती हैं, बाप अच्छे नहीं माने। एक ढाई माँ होती है, एक असली माँ होती है, बाप दो नहीं होते। हो गए यूरोप के परिवार में बच्चों को पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है, एक बात। और दूसरी बात एक और, जिससे भी ज्यादा गंभीर है, कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं यह पता करना एकदम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? वहां जो शारीरिक संबंध हैं वो इतने खुले हैं, इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए। और जिन समाजों में शारीरिक संबंध बहुत खुले होते हैं, जहां पर शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन होता है, वहां पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मां जानती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सेक्स भोगने के लिए एक पति से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो दो के पास, तीन के पास, पांच के पास, दस के पास, बीस के पास, पचास के पास कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्स संतुष्टि ही जिंदगी का चरम आनंद है, ध्यान रखना। और ये प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, लिबनित्स कहता है, देकार्ते कहता है, रूसो कहता है, सारे फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का चरम आनंद ही ये है, सेक्स में डूबना। तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मिले तीसरा, तीसरे से नहीं मिले चौथा। इसलिए शारीरिक संबंधों में कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए वहां विवाह करना जरूरी नहीं है, इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते। आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% बिना विवाह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशनशिप, बहुत चल रहा है। इसका मतलब है बिना विवाह के साथ साथ रहना, दो दिन एक के साथ रहना, तीन दिन दूसरे के साथ, पांच दिन तीसरे के साथ, महीने चौथे के साथ, दो महीने पांचवें के साथ, साल भर में 10-20 बदल दो। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की है। तो विवाह होता नहीं है, बिना विवाह के ही सब होता है, तो विवाह की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है, इसलिए विवाह करना कराना वहां कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती हैं फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? बिना शादी के बच्चे होंगे तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? तो इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है। परिवार तो कुछ निश्चित बिंदु से शुरू होता है ना, परिवार तो ऐसे शुरू होता है, मेरी माँ ने कहा देख ये तेरे पिताजी हैं, बस वहीं से शुरू हुआ। वहां कोई माँ ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी, पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है। और ये एक दो साल नहीं रहा है, 2500 साल ये रहा है, और 2500 साल में कम ज्यादा होता रहा। मैक्सिमम लोग लिव इन रिलेशनशिप में है, धर्म पत्नी और पति बन के नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी नहीं, जो हमारी परिभाषा है ना पति पत्नी की, नहीं। तो वहां फिर होता क्या है? वहां फिर होता यह है कि
कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंध आप रखें तो सबसे ज्यादा वेनरल डिसीजेस, सेक्स जनित रोग सबसे ज्यादा इसी समाज में, सबसे ज्यादा। और आजकल तो आप सुनते हैं ना बार बार, वफादार रहो, एक ही पत्नी से संपर्क रखो, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूरोप में ये कहानी 2500 साल से ऐसे ही चल रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।